आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के सेवरही विकास खंड से आ रही है। कुशीनगर भाजपा सरकार का सपना है कि गांव को विकसित कर एक नया आयाम स्थापित करके देश विदेश के पटल पर लाकर ख्याति प्राप्त करना है। ऐसे में तमाम योजनाओं को लागू कर गांवों को रोल मॉडल बनाया जा रहा है। सरकार के सपने को 100% गांव बिरहट कुन्हवलिया में लागू कर विकास की गाथा लिख रहे सेवरही ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिरहट कुन्हवलिया के ग्राम प्रधान रजमतिया देवी के प्रतिनिधि आनंद कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है। बताते चले कि बिरहट कुन्हवलिया ग्राम पंचायत बड़ी गंडक नारायणी नदी के तट पर बसा है। कुछ ही दूर से बिहार प्रांत की सीमा चालू हो जाती है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आनंद कुमार सिंह पूरी लगन और तमन्ना से गांव को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं समाज सेवा आनंद कुमार सिंह ने मीडिया टीम को बताया है कि ग्राम पंचायत बिरहट कुन्हवलिया बड़ी गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ है, फिर भी सरकार के महत्वपूर्ण आकांक्षी योजनाओं को सरकार की मंशा एवं उसके गाइडलाइन के अनुसार कार्य को पूरा कराया जा रहा है। मेरा लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत को विकसित कर इतिहास रचने के लिए लायक हो, यही मेरी तमन्ना है। कुशीनगर ब्यूरो से राजेश कुमार दुबे की खास रिपोर्ट। हाँ, जी। और एक तरह से कहा जाए तो बंदा से बिल्कुल सटा हुआ गाँव है। अभी आप अपने बगल में एक मनरेगा पार्क का निर्माण करा रहे हैं, क्या प्रगति है उसकी? मनरेगा पार्क में बाउंड्री का काम पूरा हो चुका है, बाकी बीच में जो अंदर उसके सड़क वड़क बनाना है, जो टहलने वाला सब सिस्टम लगाना है, वही सिर्फ बाकी है। तो बारिश की वजह से रुका हुआ है। बारिश के तुरंत बाद, बारिश छूट के ही जो भी मौसम साफ होगा, तत्काल उसको पूरा करवाएंगे। आप युवा हैं, अभी प्रधान प्रतिनिधि भी हैं जी, ग्राम सभा के जो है विकास के लेकर के कैसे सजग हैं? गांव की प्राथमिकता सबसे तो विकास ही हमारी प्राथमिकता है। गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं और सामने बना करके आप लोगों को बुलाएंगे और दिखाएंगे। अभी बगल में एक अमृत सरोवर के लिए जगह चयनित करवाए हैं, सब खाली उली करवा दिए हैं, उसका भी काम 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। बारिश की वजह से रुका हुआ है, बगल के गांव में चयनित है जगह। वो ग्राम सभा बिहार से सटे हुए पड़ रहा है जी, और यह प्रदेश का अंतिम ग्राम सभा कह सकते हैं जी। जी, शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक रहते हैं आप ग्राम सभा बच्चों के? अब शिक्षा में तो जो यथासंभव हमसे होता है, शिक्षा के दृष्टि में भी टीचर उचर को भी हमेशा देखते रहते हैं। उन लोगों को भी जो दिक्कत होती है तुरंत सॉल्व करते हैं। उन लोगों को भी मैंने किसी प्रकार का दिक्कत, आप लोग जाएंगे स्वयं तो टीचर लोगों से मिलेंगे तो बताएंगे भी। शिक्षा के प्रति भी हम एकदम सजग रहते हैं कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो या शिक्षा की अभाव ना हो। शिक्षा के अभाव में भी कोई दिक्कत होता है तुरंत अधिकारियों से बात करके उसका मामला तुरंत सुलझाने का काम करते हैं। आगे की क्या सोच है ग्राम सभा को लेकर? आगे तो यही है कि हमारा मॉडल गांव एकदम हो, मैंने प्रदेश में एक नंबर का हो। जो भी हम काम कराए हैं आज तक, मतलब जो लोग भी अधिकारी बाहर के लोग आए हैं